हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज, बिल्कुल मस्त हूँ। आज का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप ओमान कैसे आ सकते हैं, आप ओमान आने के लिए आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, टोटल इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए, अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए एक नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा क्योंकि मैं इस चैनल में ओमान में जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ और ओमान कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। और ओमान में जो सबसे बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने लायक, देखने लायक, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाकर मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, ब्लॉग बनाकर लेकर आता हूँ और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। तो इस चैनल पे आप अपने घर में बैठे बैठे, अपने देश में बैठे बैठे ओमान की सारी जानकारी ले सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप अपना वीज़ा ले सकते हैं ओमान आने के लिए। वीज़ा आपको कितना टाइम में मिलेगा, वीज़ा आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको कितना दिन में वीज़ा मिलेगा, आपको कितना पैसा देना होगा, कितना खर्चा आएगा, फ्लाइट का टिकट कितना का होगा, सब कुछ पूरे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। फ्लाइट का टिकट कोई फिक्स नहीं होता है, फ्लाइट का टिकट अप एंड डाउन होता रहता है, सीज़न के हिसाब से होता है, कभी 8,000 का मिलता है तो कभी 15,000 का भी मिलता है। फ्लाइट का टिकट कोई फिक्स नहीं होता है। बाकी यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा का पैसा फिक्स है, कितना पैसा लगेगा सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ आप नौकरी के लिए आना चाहते हैं, यहाँ आप घूमने के लिए आना चाहते हैं, यहाँ आकर ओमान में आकर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी हो ए टू जेड आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में आते हैं और वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं, शर्मा जी ऐसा क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, ये वाली कंपनी कैसी है, हम कारपेंटर में आना चाहते हैं हमको कितना पैसा मिलेगा, हम इलेक्ट्रिशियन में आना चाहते हैं हम कितना पैसा मिलेगा। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, शायद आप सुनते नहीं हो या सुन के मेरी बातों को अप्लाई नहीं करते हो, ज़रा सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कमेंट में आके कमेंट करते हो, हर कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे मैसेज में टाइपिंग करते हैं ऐसे ही कमेंट में टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे फेसबुक में बात करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा मोर लिखा है, देखिए नीचे देखिए मोर लिखा है ना, मोर पे क्लिक करिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप लोग फेसबुक में मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, आप लोग मुझे मैसेज करिए, ज़्यादा आप ट्राई करिए फेसबुक में मैसेज करने की। शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का नाम है। तो आप लोग शर्मा मिक्स ब्लॉग में फॉलो करिए और मैसेज करिए, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। चलिए अब देर ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं और बात को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, बहुत सारे लोग ओमान जॉब के लिए आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ओमान आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ओमान में घूमने के लिए आना चाहते हैं। इन तीन कैटेगरी के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। गाइस आपको मैं बता दूँ, ओमान अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हैं, यहाँ आकर बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं विजिट वीज़ा में। आपको विजिट वीज़ा मिलेगा 35 रियल का, सुन रहे हैं ना आप, 35 रियल का। आप ट्रांसलेट करिएगा अपने देश में कितना का बनता है, क्योंकि ये मेरा वीडियो आप लोग बांग्लादेश से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, श्रीलंका से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, कई देशों से मेरे वीडियो को देखा जाता है। इसलिए आप ओमानी रियल को अपने देशों में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे स्क्रीन में देखिए इंडियन इतना होता है यहाँ के 35 रियल का। और आप लोग यहाँ स्क्रीन में आप देखिएगा, आपको स्क्रीन में एक नंबर दूंगा उस भाई का, जो मेरे अच्छे रिलेशन है उनके साथ, अच्छा उठना बैठना उनके साथ है, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, उनका नाम है हारिस सलीम उनका नाम है। माइल्स ट्रैवल्स के नाम से उनकी दुकान है, ट्रैवल्स की दुकान है, वो आपको वीज़ा देंगे, वो मेरी गारंटी है, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। 35 रियल में आपको विजिट वीज़ा मिलेगा एक महीने के लिए, आप ओमान एक महीने के लिए आ सकते हैं 35 रियल में। 35 रियल का इंडियन इतना होता है, देखिए नीचे। तो 35 रियल में ओमान आने के बाद एक महीने तक आप घूम फिर कर अच्छी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दे के नौकरी की तलाश कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने देशों में रोजगार की कमी है, तो सभी लोग कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग गल्फी और रूप कर रहे हैं,
सऊदी, दुबई, कतार, बहराइन, ओमान, कुवैत, इन सब देशों में। तो ओमान भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा देश है, बहुत शांति प्रिय देश है, बहुत अच्छा अनुशासन वाला देश है। यहाँ के जो ओमानी लोग हैं बहुत अच्छे हीरा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। चाहे हम कहीं से भी किसी भी देश से हों, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी हों, यहाँ ओमान आने के बाद यहाँ के जो ओमानी लोग हैं बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे इंसान। इसलिए ओमान में कोई विदेशी के लिए बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो नहीं सकता। तो गाइज, ओमान आने के बाद एक महीना काफ़ी होता है आप लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए। यहाँ आने के बाद रुकने के लिए आप कहीं दोस्तों के साथ मिलके, किसी जान परिचित के साथ मिलकर एक रूम भी ले सकते हैं, और आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। यहाँ बहुत सारे होटल, सस्ते होटल भी हैं, ज़रूरी नहीं कि 5-स्टार 3-स्टार होटल में रुको, नॉर्मल होटल भी हैं, उसमें रुक के आप एक महीने तक रुक सकते हैं और नौकरी देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर, मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, स्वदेशी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर इंटरव्यू देके अपनी नौकरी को तलाश कर सकते हैं। और बात करते हैं आप लोगों को वीज़ा कितना दिन में मिलेगा। जी हाँ, आप जो मिस्टर हारिस सलीम है, जो नीचे नाम देखिए हारिस सलीम है, ये इनका अपना दुकान है, यहाँ पर ट्रैवल एजेंट हैं। तो ये वीज़ा देते हैं, टिकट देते हैं, फ्लाइट का सारे काम करवा के देते हैं। अगर आप ओमान में बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं तो ये बिजनेस के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं ये। तो आप इनको 35 रियल देंगे तो 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर, समझ रहे हैं ना आप, 24 आवर से लेके 48 आवर के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा ओमान आने के लिए। तो गाइज, आप लोगों को और कुछ पूछना है मुझसे, मैसेज करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ओमान आना चाहते हैं, उन लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई आगे चलने का जरिया नज़र नहीं आ रहा है। उन लोगों को इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने इंस्टाग्राम में शेयर करिएगा, अपने टिकटॉक में हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ओमान जो आना चाहते हैं उन लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बेरोज़गार लोग बैठे हैं, जिन लोगों को रोज़गार की तलाश है, ओमान आना चाहते हैं, उन लोगों को मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिले। इसलिए मैंने आप लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइज, जो यहाँ पर माइल्स ट्रैवल्स का जो नंबर दिया है, इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए इनसे ले सकते हैं। हारिस सलीम ये एक बहुत नेक दिल इंसान है, मेरे अपने मित्र हैं, काफ़ी सालों से इनकी मेरी जान पहचान है। तो ये बहुत लोगों का काम करा के दिया है, अगर आप लोग काम कराने के इच्छुक हैं तो इनसे काम करवाइएगा, डायरेक्ट इनको व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, ये आपके मैसेज का जवाब देंगे। तो गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा मेरे फेसबुक में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो और लेकर आने वाला हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा ओमान में अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ओमान में आकर अपना दुकान कैसे खोल सकते हैं, आप लोगों को ओमान में दुकान खोलने के लिए कितना खर्चा लगेगा, ओमान में आपको कितना रुपये किराए में आपको दुकान मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सभी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप ओमान में व्यापार बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और किस चीज़ का बिजनेस सबसे ज़्यादा ओमान में चलता है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।